नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में छात्र नेता अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन किया गया, जिसमें 1980 से 2020 तक के पूर्व छात्र सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में नए मतदाताओं का सम्मान किया गया एवं उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया तथा बीजेपी के लिए मतदान करने का आग्रह किया गया। उन्होंने आग्रह किया कि पोलिंग बूथ पर छात्र नेता अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से बूथ में मौजूद रहें। सभी अतिथियों को भगवा तौलिया पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही उन्होंने आग्रह किया और कहा कि आने वाली 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं। नव मतदाता उत्साह जुनून के साथ राष्ट्रहित में मतदान कराने जाएं। कांग्रेस सरकार में छात्रों की जो योजना बंद की गई थी, उसमें छात्र नेताओं ने रोष व्याप्त किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चिंता करने की आवश्यकता है, भारत माता की जयकारे को बुलंद करना है। राहतगढ़ के अंदर भारत माँ की जय बुलंद रहे, कांग्रेस को यहाँ से मुंह की खानी पड़े। यह चुनाव सिर्फ गोविंद सिंह राजपूत का या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हर एक युवा का चुनाव है, हर नागरिक का चुनाव है, हर माता बहन का चुनाव है। कुछ समय पहले एक सभा में सुना, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक महिला को आइटम कहा। भारत में महिला को दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहा गया है, कैसे आप महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाली 3 तारीख को महिलाएं कमल के फूल का बटन दबाएंगी। कमलनाथ जी, आप खुद अपने आप में आइटम बन जाएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां महिलाओं के सम्मान की बात जरूर करती हैं, लेकिन हकीकत शायद इससे परे है। अभी हाल ही में सुर्खी विधानसभा से एक महिला द्वारा डांस कर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा था, जिसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ के लिए लड़ने वाली पार्टी वंदे मातरम के लिए लड़ने वाली पार्टी नहीं है। भारत माता की जय के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। जब राम मंदिर की बात आती है तो कांग्रेस के लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, कहते थे राम तो काल्पनिक है। यदि राम काल्पनिक है तो हिंदुस्तान का एक एक हिंदू जो राम को मानने वाला है, ऐसे दुराचारी आतंक मचाने वाले पापियों को अपना एक भी वोट ना दें, तब इन्हें समझ में आएगा। राम को काल्पनिक बोलना भारत में कितना बड़ा पाप है। जो राम को नहीं मानता, जो हमारी भारत माँ को नहीं मानता, क्या हम उसको अपना वोट देंगे? उनको वोट तो दूर की बात है, उनको हमारे दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। हमें चिंता करने की आवश्यकता है कि भारत माँ की जयकारे को बुलंद करना है, भारत माँ की जयकारे को हम सब मिलकर के बोले। राहतगढ़ के अंदर भारत माता की जय बुलंद रहे, राहतगढ़ के अंदर वंदे मातरम का गान बुलंद रहे, इसलिए कांग्रेस को यहाँ की मुंह की खानी पड़े। इसलिए आप सबको प्रण प्रण से जुटने की आवश्यकता है। यह चुनाव गोविंद सिंह जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है।